देश में टीकाकरण अभियान तेज करने से संक्रमण के मामलों में भी कमी आ रही है। इस अभियान के तहत देश में अब तक 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। चूंकि ये टीके संक्रमण से 100% तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने से जरूर बचा सकते हैं। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कोरोना और वैक्सीन से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब। क्या कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा भी आ गई है? डॉक्टर पीयूष रंजन कहते हैं, कोरोना वायरस की बीमारी के इलाज के लिए अभी कोई दवा नहीं आई है। इस बीमारी की वजह से मरीज में जो लक्षण नजर आते हैं, उन एक एक लक्षणों को दूर करने के लिए दवा दी जाती है। जैसे बुखार को कम करने के लिए दवा, सर्दी जुकाम हो गया है तो उसकी दवा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो देते हैं। इनके अलावा इलाज के कुछ सपोर्टिव वैक्सीन और दवाई है जिसे डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है। लेकिन जैसे कई बीमारियों में होता है कि ये दवा इस बीमारी के लिए है और इसे खाते ही ठीक हो जाएंगे, वैसे निश्चित दवा अभी कोरोना के लिए नहीं आई है। इस पर तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं और शोध कर रहे हैं। अगर किसी की दूसरी डोज में गैप हो गया है तो क्या करें? दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन कहते हैं, अगर तय तारीख पर दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं तो उससे 2 से 4 दिन आगे पीछे भी लगवा सकते हैं। इसलिए परेशान ना हो कि तारीख तो आज की थी और अब कल कैसे लगवाएं। इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, बल्कि दूसरी डोज लगवाना जरूरी है। हाँ, अगर कोई समस्या हो गई है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि कब लगवानी है। वैसे इस तरह की परिस्थिति बहुत कम आती है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।